डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान कोरोना के मामलों पर, कहा 24 घंटे में 2317 प्रकरण आए हैं कोरोना के प्रदेश में, 8638 केस। तीसरी बेल की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार जुट गई है। पारियों में मात्रा में दवा, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड सभी मौजूद हैं। कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ प्रिकॉशन डोज लगवाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, मनमोहन सिंह जी तो पहले ही रिमोट से चल गए हैं, अब यही स्थिति पंजाब की कर दी है। उन्हें संवैधानिक पद पर बैठे आदमी रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि सोनिया गांधी को सरकार को कैसे कांग्रेसी बोर्ड पर चलाती है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह पंजाब की स्थिति भी यही है। राकेश राणा के विषय पर कहा, DJP को आज कहा है कि दोनों पक्षों के कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं और ADG हैं, उनको मिलाकर दोनों से बातचीत करके 12 बजे मेरे पास आएंगे। किसानों के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री अपने अपने क्षेत्र में रवाना हो गए थे। जल्द ही आकलन की रिपोर्ट आएगी, मुख्यमंत्री स्वयं उसको देख रहे हैं। DJP को आज कहा है कि DJP आज दोनों पक्षों को, जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं और जो AIG हैं, ADG हैं, उनको मिला के दोनों से बातचीत करके 12 बजे जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे बताएंगे। आपदा विपत्ति की घड़ी में सभी किसानों के साथ में हैं, हर संभव मदद उनकी की जाएगी। सभा करने का अधिकार ही नहीं है जिस विपक्ष के मुख्यमंत्री 15 महीने किसी भी एक ओला पीड़ित जगह पर, बाढ़ में बाढ़ पीड़ित जगह पर कभी गए ही नहीं है, वो क्या उठाएंगे सवाल। प्रियंका वाड्रा बोल रही है उनके लिए भी क्या इसमें शामिल किया जाएगा उनको कि कोरोना वॉरियर्स की तरह लिया जाए। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में समस्त पत्रकार बंधुओं ने लाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इन लोगों को भी शामिल करें, आज मैं उनसे बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी के किसने रोका है उनको? राजस्थान में जाएं करें, छत्तीसगढ़ में जाएं करें, एक आध उदाहरण दे के दिखाएं। चुनाव की जगह पर तो वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, उनके भाई या 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करने का कह गए थे। क्या मध्य प्रदेश के आप सब लोग भी वो सोचो, एक हाथ का हुआ था क्या? उनके भाई यहाँ पर नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का कह गए थे, हुआ क्या? अब देश उनको समझ गया है, पूरे इस गांधी परिवार को जो सो कॉल्ड है।